बड़ा पावन दिवस है आज। उल्लास भी है क्योंकि मद महेश्वर डोली की तैयारियां हो रही हैं और डोली चलने वाली है अपने हिमालय आवास के लिए। ऊखी मठ की स्थानीय जनता द्वारा आराध्य देव मद महेश्वर भगवान के लिए गौधूम या स्थानीय भाषा में अगर बोले तो छाबड़ी, इसको भोग के रूप में तैयार किया जाता है। दूसरे दिन भगवान का संपूर्ण श्रृंगार कर रावल ब्राह्मणों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है तथा रावल जी पुजारी को डोली गंतव्य तक ले जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा ईश स्तुति पयारी के रूप में गाई जाती है। संगीत और स्वर का बड़ा आध्यात्मिक संगम होता है इस अवसर पर। ऊखी मठ से कस्तूरा होते हुए डोली चल रही है। भक्ति में डूबे हैं भक्तगण। डोली के साथ रावल जी भी चल रहे हैं। भजन कीर्तन से भरा हुआ है वातावरण। हरी भरी प्रकृति के बीच आस्था का सैलाब दिख रहा है और पवित्र निशान भी चल रहे हैं इस पवित्र डोली के साथ। साधु संत समाज भी बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं इस पवित्र यात्रा में। क्या महिला क्या पुरुष, सभी पर हावी है भक्ति भाव। और वो भी क्यों ना, क्योंकि डोली चल रही है अपने गंतव्य की ओर। सभी आयु वर्ग के लोग हैं इसमें, बच्चे बूढ़े जवान। आयु वर्ग नहीं देखती भक्ति, सब पर आस्था का नशा चढ़ा हुआ है। सभी डूबे हुए हैं भक्ति भाव में। ऊखी मठ ब्राह्मण खोली फापंज से गुजरकर डोली पहुंचती है मनसून। भव्य आयोजन है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और भक्तगणों के साथ साथ स्थानीय लोग भी भरपूर भागीदारी कर रहे हैं। मद महेश्वर प्रमुख ईष्ट देवता है यहाँ के। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से कोई मनोकामना मांगे तो तुरंत पूरी हो जाती है। पूरे गांव की महिलाएं थाली में जौ तिल फल पुष्प रख के अपने ईष्ट देव को अर्घ्य लगाया जाता है। जुगासु होते हुए डोली खेत खलिहानों और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से युक्त रास्तों से राउन लेख पहुंचती है। राउन लेख में भी विश्राम होता है। रास्ते के कंटक संकट और मौसम से बेखबर भक्तगणों की केवल एक ही अभिलाषा रहती है और वो होती है अपने देव का दर्शन लाभ करने की। राउन लेक से डोली पहुंचती है उनियाड़ा। यहां पर भी अर्घ्य लगाया जाता है।
उनियाणा होते हुए राशि। केदारखंड के अध्याय 91 में रामेश्वरी एवं राकेश्वरी महात्म्य के नाम से इस स्थान का धार्मिक वर्णन मिलता है। मान्यता है कि इस स्थान पर दाक्षायणी के प्रति चंद्रमा गुरु बृहस्पति के शाप से मुक्त हुए थे। पाषाण खंड से निर्मित मां राकेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में लिंग गुप्त रूप में प्रतिष्ठित है। शिव यहां बाल रूप में तथा मां राकेश्वरी कौमार्य कुमारी रूप में विद्यमान है। आश्विन माह में संक्रांति दो गते प्रविष्टे सितंबर अक्टूबर लगभग 18 सितंबर एक वृहद मेला इस स्थान पर आयोजित होता है। इस मेले में मां राकेश्वरी की पूजा ब्रह्म कमलों द्वारा की जाती है। ये मेला रात भर चलता है जिसमें जागर पारंपरिक वाद्य यंत्र के निनादित स्वर से देवी की आराधना की जाती है। अगले दिन प्रातः श्रद्धालु लोग मंदिर से प्रसाद के रूप में ब्रह्म कमल लेकर अपने अपने गांवों व घरों की ओर निकल जाते हैं। ब्रह्म कमल लेने यहां से 32 किलोमीटर दूर मननी जाना होता है। राकेश्वरी मंदिर में प्रत्येक 24 साल में देवी का महायज्ञ संपन्न होता है जिसमें देवी की यात्रा निकलती है जो अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आती है। राशि में भी स्वागत की भव्यता देखती ही बनती है। फल पुष्प से भी अर्घ्य लगाया जाता है। इतनी बड़ी तादाद में थालियां होती हैं यहां पर। पुजारी इन सभी थालियों से अर्घ्य देते हैं। रात भर भजन कीर्तन होता है और उसके पश्चात डोली को दूसरे दिन प्रातः काल में मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। सुदूरवर्ती गांवों से भी लोग एकत्रित होते हैं यहाँ पर। दुर्गा माई मंदिर में विश्राम कर आगे बढ़ती है डोली। डोली अब ऊखी मठ के सबसे सुदूर क्षेत्र गोनार गांव का क्षेत्र है, यहां पर पहुंचती है। गोनार निवासी मद महेश्वर के मंदिर के कार्यभार भी संभालते हैं। यहां पर भी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और स्वागत किया जाता है डोली का। प्रातः सुबह 6 बजे फिर गांव के निवासी देते हैं डोली को विदाई। कुछ दूरी तय करने के पश्चात वाद्य यंत्रों का बजना निषेध कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर वाद्य यंत्र बजेंगे तो वन देवियां यात्रा बाधित कर सकती हैं। अब डोली पहुंच रही है बंतोली। इस स्थान पर मध महेश्वर गंगा और मार्कंडेय का संगम होता है। प्रकृति अपने पूरे श्रृंगार से विद्यमान है यहाँ। ये स्थान स्वर्ग सा सुंदर दिखता है। बंतोली से मध महेश्वर तक का 10 किलोमीटर का रास्ता पूरी चढ़ाई वाला है। कष्टों की परवाह नहीं करते भक्तगण। कैसा भी रास्ता हो, आस्था के आगे भक्ति के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। जिनका अंतस ईश्वर के विश्वास से परिपूर्ण हो उनके आगे दुरुह मार्ग और कठिनाइयां कुछ भी नहीं लगती।
सुरम्य प्रकृति के बीच से जाने वाला ये रास्ता भक्तगणों द्वारा नंगे पैर ही तय किया जाता है। बंतोली से खडारा 2 किलोमीटर और नानू 2 किलोमीटर। इस यात्रा में डोली के साथ साथ क्षेत्रपाल और भैरव के निशान चलते हैं। ये सुंदर दृश्य देखकर सहज ही विश्वास हो जाता है कि सुंदर प्रकृति में ही देवताओं का वास होता है। नानू मैखुमा जैसे छोटे छोटे पड़ाव आते हैं इस यात्रा में। अर्ध चढ़ाया जाता है यहां पर और फिर दुरु रास्ते से घुमावदार रास्ते से होते हुए मैखुमा चट्टी और कून चट्टी। कून चट्टी से मद महेश्वर तक लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता बचता है। कुछ दूरी के पश्चात घने जंगलों से होकर रास्ता समतल हो जाता है। मद महेश्वर से कुछ दूरी पर डोली पहुंच चुकी है देवदर्शनी। यहां कुछ देर विश्राम करती है डोली। पहले मंदिर के भंडारी भगवान के समस्त बर्तन भांडे बाहर लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मद महेश्वर स्वयं अपने बर्तन गिनते हैं। इस कार्य में काफी समय लग जाता है। इसके पश्चात भंडारी शंख ध्वनि के साथ डोली के स्वागत का संदेश भेजते हैं। डोली तब मंदिर के प्रांगण में पहुंचती है। 6 माह के पश्चात बाबा मद महेश्वर अपने घर पर आए हैं। पूरा वातावरण हर्षोल्लास से परिपूर्ण है। जय जयकार से गूंज उठे हैं पर्वत और घाटियां। मंदिर की परिक्रमा के पश्चात अब गर्भ गृह में स्थापित हो चुके हैं मद महेश्वर। उनका आशीर्वाद चिरकाल से अपने भक्तों और अनुयायियों को लाभ पहुंचा रहा है। पंच केदार के अंतर्गत द्वितीय केदार श्री मद महेश्वर धाम अनंत आह्लादक रमणीय स्थान पर समुद्र तल से 3490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि मां पार्वती से विवाह के बाद यवनावस्था में शिव इसी स्थान पर आए थे। शिव पार्वती की प्रणय स्थली के रूप में यह स्थान विख्यात है। हिमश्रृंगों की सौंदर्यता यदि निहारनी हो तो इस स्थान से 2.5 किलोमीटर शीर्ष स्थान पर श्री बूढ़ा मद महेश्वर से आगे पहुंचना आवश्यक होता है। निर्जन स्थान पर भव्यता लिए श्री मद महेश्वर तराशे गए पाषाणों से निर्मित काष्ट छत्र युक्त देवालय है। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शती के मध्य माना गया है। मंदिर गर्भगृह में नाभिनुमा शिवलिंग प्रतिष्ठित है। गर्भगृह में ही भगवान शिव की अष्ट धातु निर्मित प्राचीन श्रृंगार मूर्ति भी है। आचार्य बताते हैं कि ये प्रतिमा अपना रंग बदलती है। जुलाई से सितंबर तक भगवान शिव का ब्रह्म कमलों से श्रृंगार होता है। शिव को अर्पित करने के लिए यह ब्रह्म कमल श्री मद महेश्वर से 8 किलोमीटर दूर काशनी ताल के निकट से लाए जाते हैं। मंदिर गर्भगृह का द्वार छोटा है। कहा जाता है कि ईर्ष्या द्वेष अहंकार छोड़कर यहां प्रवेश करना होता है। मंदिर प्रांगण में आकार में 2 छोटे-छोटे मंदिर स्थित हैं, जिनमें एक गौरी शंकर दूसरा मां पार्वती का है। उदक कुंड में अभिषेकित जल आता है। इसी के समीप गोखुरी है जहां पर पितृ तर्पण की मान्यता है। मंदिर के बाहर बाईं ओर एक लेख भी यहां उत्कीर्ण है।
मदमहेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना केदारनाथ रावल के शिष्य लिंगायत वीर शैव जंगम कर्नाटक के आचार्य द्वारा होती है। 6 माह की पूजा के पश्चात पूरे विधि विधान से पवित्र मंत्रोच्चारण द्वारा कपाट बंद हो जाते हैं शीतकाल के लिए। डोली उसी उत्साह और परंपरा से वापस आती है ऊखी मल। इसी प्रकार रमणीक स्थानों से गुजर कर जा रही है पवित्र डोली। ऋतु बदल चुकी है, वो मई था, ये नवंबर का कपकपाता महीना है। रास्ता दुरूह है क्योंकि शीत ऋतु है। दुरूह रास्ते पर चल रही है डोली। पर्वत के मार्ग वैसे भी कठिन होते हैं, पर भगवान को ऐसे ही नहीं पाया जाता। कठिन तपस्या और कठिन पथ से ही होकर गुजरता है वो रास्ता जो ईश्वर तक हमें पहुंचाता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए सभी व्याकुल हैं और तभी भरे हुए हैं इतने गहरे भक्ति भाव से, आस्था से, आध्यात्म से। इस गांव के प्रसिद्ध मंदिर हैं भैरवनाथ और क्षेत्रपाल का मंदिर। पूजा अर्चना के लिए, ध्यान लगाने के लिए बहुत ही रमणीक स्थान है ये। फिर गांव के निवासी देते हैं डोली को विदाई। इस डोली से जुड़ी हुई हैं हमारी परंपराएं, इस डोली से जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति, इस डोली से जुड़ी हुई है हमारी पुरानी मान्यताएं। दूसरा राशि और तीसरा गडगू। भगवान प्रसन्न है गडगू वासियों पर क्योंकि संपूर्ण गांव वासियों ने मद महेश्वर यात्रा संपन्न की है। कहते हैं कि ये लोग भगवान के मोहर हुआ करते थे। 12 वर्ष पश्चात आया है ये ऐतिहासिक क्षण जब भगवान इनसे प्रसन्न हो इनका आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। अब मद महेश्वर की डोली पहुंच रही है गडगू ग्राम में। पारंपरिक स्वागत की तैयारियां हो रही हैं और हो भी क्यों ना, इस डोली से जुड़ी हुई हैं हमारी परंपराएं। मद महेश्वर भगवान के स्वागत के लिए जाख राजा प्रतीक्षारत हैं। जाख राजा यहां के निवासियों के क्षेत्रपाल एवं भूमिहाल के रूप में पूजनीय हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वागत करने को तैयार हैं। पूजा अर्चना और अर्घ्य लगाकर अगले दिन भगवान को नम आंखों से विदा किया जाता है। महिलाओं द्वारा प्यारी गाई जाती है। भगवान का चौथा और अंतिम पड़ाव है गिरिया गांव। यहां पर भी भक्तगण पूर्ण गांववासी भगवान मद महेश्वर का स्वागत करते हैं। पूजा अर्चना के पश्चात डोली अगले दिन अपने शीतकाल आवास की ओर बढ़ जाती है। गिरिया होते हुए डोली पहुंचती है पाली, उसके बाद फापंच और फिर मंगोलचारी।
मंगोलचारी में अपार भक्त सैलाब उमड़ पड़ता है स्वागत के लिए। यहां पर सोने का छत्र चढ़ाया जाता है और फिर ढोल दमाऊं, रणसिंगे जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के साथ डोली चल पड़ती है ब्राह्मण खोली होकर कस्तूरा। कस्तूरा मद महेश्वर की साली के रूप में विख्यात है। यहां पर भी वही भक्ति का वातावरण है, वही आस्था चरम पर है। पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाता है डोली। कस्तूरा के बाद भक्त सैलाब के साथ ऊखीमठ ग्राम महिलाओं द्वारा दो स्थानों पर अर्घ्य दिया जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर में अपने निशानों के साथ डोली का भव्य स्वागत होता है। श्रद्धा सैलाब एक बार फिर उमड़ पड़ता है। पुष्प वर्षा के साथ डोली मंदिर की परिक्रमा करने के बाद निर्धारित स्थान पर रखी जाती है। एक नई डोली में, जिसे बूढ़ा मद महेश्वर के नाम से जाना जाता है, उसमें ये मूर्तियां रखकर मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर की सात परिक्रमाएं कराई जाती हैं। डोली के साथ गणमान्य ग्रामीण और भक्तजन सभी तरह के लोग रहते हैं। सात फेरे समाप्त होने के पश्चात प्रसाद वितरण में छीना झपटी होती है और प्रसाद लेने के बाद भक्तगण घर चले जाते हैं शांतिपूर्वक। मूर्तियों का शीतकालीन आवास यहीं पर है और यहीं पर है पंच केदार का गद्दी स्थल।